नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज महज संभाल का एक नया वेयर हाउस बन रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पर किस प्रकार की कैसी एडवाइस दी है। क्योंकि पहले भी मैंने उनको बताया था कि जब उन्होंने वेयर हाउस शुरू करना था कि किस किस प्रकार से उन्होंने अपना वेयर हाउस शुरू करना है। आज वेयर हाउस के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे अपने यहाँ इन्वाइट किया। वो क्लाइंट मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि उनकी जो चार दीवारी खड़ी हो चुकी है, लेंटर डालने की तैयारी है। पहला लेंटर लगभग 9.5 फुट के करीब की हाइट पर डालेंगे, जो कि साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक और साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक, उस हिस्से में लगभग 20 फीट का एरिया लेंटर डाल के कवर करेंगे। उसके बाद सेकंड जो लेंटर डालेंगे वो लेंटर लगभग ग्राउंड फ्लोर से 20 फुट की हाइट पे डालेंगे, ताकि उनका सामान प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। क्योंकि उनका हार्डवेयर का काम है, होलसेल का काम है, तो उन्होंने अपने यहाँ पर स्पेस प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। आज जो बुलाने का कारण था, मेन कारण ये था कि उन्होंने वहाँ पर एक ऑफिस भी बनाना है। वो ऑफिस साउथ ईस्ट जोन में बनाने का विचार कर रहे थे। मैंने उन्हें सलाह दी कि वैसे तो एज पर वास्तु आपका ऑफिस साउथ वेस्ट जोन में होना चाहिए था, लेकिन साउथ वेस्ट जोन में आपकी स्टोरेज होगी तो वहाँ पे ऑफिस बनना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपना ऑफिस नॉर्थ जोन में यानी उत्तर दिशा में बनाएंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो वेयर हाउस है वो ईस्ट फेसिंग यानी पूर्व मुखी है। तो मैंने सबसे पहले तो उन्हें ऑफिस के बारे में बताया कि ऑफिस उन्होंने अपने नॉर्थ जोन में बनाना है, और अपने यहाँ पे यदि आप वो शेड डालते हैं तो शेड की जो ढलान है वो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, यानी ईस्ट की ओर होनी चाहिए। पश्चिम का हिस्सा ऊंचा हो जाएगा और सारा स्लोप शेड का ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर आ जाएगा। यदि आप लेंटर डालते हैं तो लेंटर का जो स्लोप है, जो छत की ढलान है, वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर करनी है। ओवरहेड वाटर टैंक आपने कहाँ रखना है? लेंटर डालते हैं तो साउथ वेस्ट जोन में छत के ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक आ जाएगा, और आप शेड डालते हैं तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में पिलर बना के उसके ऊपर हाइट देके वहाँ पर आप अपना पानी का ओवरहेड टैंक रखेंगे, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस तरह मैंने कुछ खास बातें उनको बताई है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इस प्रकार से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। आप भी अपना वेयर हाउस बना रहे हैं और ईस्ट फेसिंग है, तो आप भी इन बातों को अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।